हेलो माय डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर लाइट चैप्टर नंबर नाइन लाइट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्पअस टू सी थिंग्स दिस चैप्टर वी हैव टू लर्न अबाउट सोर्सेज ऑफ लाइट ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हाउ डू वी सी थ्रू थिंग्स हाउ आर शेडोज फॉर्म्ड ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी हैं लाइट लाइट का मीन्स क्या होते हैं प्रकाश ओके okay? तो हमें लाइट के बारे में पढ़ना है कि बेसिकली लाइट होती क्या है और लाइट के कितने सोर्सेज होते हैं और कौन कौन से ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं कौन से नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अस टू सी थिंग्स अराउंड अस तो लाइट क्या होती है एक एनर्जी का फॉर्म होती है मतलब ऊर्जा का एक प्रकार होती है जिसके कारण हम अपने आसपास में चारों तरफ जो चीज़ें हैं उनको देख पाते हैं द सन इज द मेन सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट ऑन द अर्थ और हमारे अर्थ पे जो नेचुरल सोर्स है नेचुरल लाइट का जो सोर्स है वो कौन सा है सन ठीक है चलिए सोर्सेज ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट एमिट लाइट आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि लाइट एमिट करते हैं राइट right वर्ड तो एमिट है जो साइंस के अकॉर्डिंग बोला जाता है फिर या फिर गिव आउट आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि लाइट देते हैं ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि हमें लाइट देते हैं उन्हें सोर्सेज ऑफ लाइट कहा जाता है लाइट का सोर्स कहा जाता है स्रोत कहा जाता है ठीक है सोर्सेज ऑफ़ लाइट कैन बी ऑफ टू टाइप्स सोर्सेज ऑफ लाइट दो प्रकार के होते हैं वन इज़ नेचुरल एंड अनदर इज़ आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि लाइट जो होती है वो लाइट के का एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके कारण हम अपने आसपास की सारी चीज़ों को देख पाते हैं दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि हमारी अर्थ में जो नेचुरल सोर्स है लाइट का वो क्या है सन है ठीक है और अब हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ लाइट सोर्सेज ऑफ़ लाइट क्या होता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि जो कि अपनी लाइट हमें देते हैं जिसके कारण हम आसपास की सारी चीज़ों को देख पाते हैं तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है सोर्सेज ऑफ लाइट लाइट के सोर्स ठीक है और ये दो प्रकार के होते हैं टू टाइप्स के होते हैं वन इज़ नेचुरल source of light and second is artificial source of light. Natural means प्राकृतिक जो प्रकृति से बना हुआ है जिसको हम बिल्कुल भी नहीं बना सकते जैसे पानी हवा सूर्य ये सब जो है ये नेचुरल है माउंटेन है ना ये सब नैचुरल है और आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड मैन मेड मतलब जिन्हें हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं अपने यूज के लिए दे आर नोन इज आर्टिफिशियल तो सोर्सेज ऑफ लाइट दो प्रकार की कौन कौन सी हुई टू टाइप्स की वन इज नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट अनदर इज़ आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट ठीक है चलिए नेचुरल सोर्सेज ऑफ़ लाइट आर दोज नेचुरल ऑब्जेक्ट्स दैट गिव ऑफ लाइट ऑन देयर ओन एंड आर नॉट मेड बाई मैन जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट है वो कैसी होती हैं जो कि मतलब नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होती हैं जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हम अपनी लाइट हमें देते हैं नेचुरल ऑब्जेक्ट्स दैट गिव ऑफ लाइट ऑन देयर ओन मतलब अपने लाइट हमें देते हैं एंड आर नॉट मेड बाय मैन और उस उन नेचुरल सोर्स को किसी भी इंसान ने नहीं बनाया है ठीक है दे आर नोन एज नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट सन इज द मेन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ और जो सन है वो मेन नेचुरल सोर्स होता है लाइट का अर्थ पर अदर अदर एग्जाम्पल्स आर द स्टार्स एंड फायर दूसरे जो एग्ज़ाम्पल्स हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट के वो कौन कौन से हैं स्टार्स भी है और फायर भी है ठीक है जो स्टार्स होते हैं वो भी उनके वो भी अपनी लाइट एमिट करते हैं वो भी हमें अपनी लाइट देते हैं और फायर भी हमें अपनी लाइट देता है द मून प्रोवाइड्स लाइट एट नाइट बट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट जो मून होता है वो अपनी लाइट तो हमें देता है मून जो होता है लाइट तो हमें देता है रात में आपने देखा होगा चांदनी रात में सब कुछ अगर अंधेरा भी हो तो अच्छे आराम से सब चीज़ें हमें दिखाई देती हैं क्योंकि जो मून लाइट होती है उससे हम देख सकते हैं पर जो मून होता है उसकी वो खुद की लाइट नहीं होती इट रिफ्लेक्ट द सन्स लाइट्स दैट फॉल्स ऑन इट और ये जो लाइट मून हमें देता है वो सन की लाइट होती है मतलब सन की लाइट मून पर पड़ती है और मून से वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे अर्थ तक आती है तो मून की खुद की लाइट नहीं होती जैसे स्टार्स और सन की होती है फायर की होती है खुद की लाइट पर मून की लाइट नहीं होती ठीक है स्टार्स आर सो फार अवे फ्रॉम अर्स दैट दे प्रोवाइड वेरी लिटल लाइट टू अर्स जो स्टार्स हैं आपने देखा होगा कि सूर्य भी हमें रोशनी देता है और स्टार्स भी हमें रोशनी देते हैं पर जो सूर्य है जो सन है वो हमसे पास है इसलिए उसकी रोशनी हमारे पास बहुत तेज पड़ती है हमारे अर्थ पर और जो स्टार्स हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं जिसके कारण क्या होता है उनकी लाइट हमें थोड़ी दिखाई देती है सम एनिमल्स लाइक ग्लोब एंड फायरफ्लाइज ऑल्सो एमिट देयर ओन लाइट कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे कि ग्लो वॉर्म्स ग्लो वांप्स का मतलब होता है चमकने वाले कीड़े तो ये कौन से होंगे एग्जाम्पल में जुगनू आपने देखा होगा या फायरफ्लाइज फायर फ्लाइज फायर जुगनू को ही कहा जाता है ऑल्सो एमिट देयर ओन लाइट और वो भी अपनी लाइट एमिट करते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट इज सन एज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट सन जो है हमारी नेचुरल सोर्स लाइट का नेचुरल सोर्स है तो उसके बारे में अब हमें पढ़ना है सन लाइट इज वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ जो सन लाइट होती है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ड्यूरिंग डे टाइम वी गेट लाइट फ्रॉम द सन इमेजिन वॉट विल हैपन इफ देयर इज नो सन लाइट देअर वुड बी टोटल डार्कनेस जो सनलाइट है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और सनलाइट के कारण ही हमारी जो पृथ्वी है उस पर लाइफ है क्यों लाइफ है क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स अपना फूड सनलाइट की वजह से बना पाते हैं ठीक है और उस जब प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो जो वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं उस ऑक्सीजन की वजह से हम जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जिंदा रहते हैं तो जो सनलाइट है वो सभी मतलब लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ड्यूरिंग डे टाइम वी गेट लाइट फ्रॉम द सन हम दिन के समय हमें जो रोशनी मिलती है लाइट मिलती, मिलती है वो किसके कारण मिलती है सन के कारण इमेजिन वॉट विल हैपन इफ देर इज नो सन लाइट और आप इमेजिन करिए कि अगर किसी दिन पूरे अर्थ पर सनलाइट नहीं हो सूर्य की रोशनी ना हो तो क्या होगा देयर वुड बी टोटल डार्कनेस तो पूरी जगह अंधेरा ही अंधेरा रहेगा प्लांट्स नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होता है फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस मीन्स फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयर मतलब विद द हेल्प ऑफ लाइट प्लांट्स प्रपेयर देयर ओन फूड मतलब इसी सनलाइट की वजह से जो प्लांट्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस के कारण वो फूड प्रिपेयर कर पाते हैं और उस फूड प्रिपेयर करने के बाद वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है ठीक है और इनमें जो फ्लावर flower, फ्लावरिंग होती है मतलब जो फूल भी खिलते हैं वो भी किसके कारण होता है सनलाइट की वजह से होता है आपने देखा होगा कि रात को या शाम को आपको फूलों पे बर्ड दिखती है बर्ड मीन्स कली दिखती है और जैसी सनलाइट आती है थोड़ी देर में वो जो बर्ड है वो फ्लावर में खिल जाती है ठीक है तो ये जो ये किसके कारण होती है सनलाइट के कारण ही होती है नाउ फैक्ट फाइल लाइट कमिंग फ्रॉम द सन टेक्स मोर देन एट मिनट्स टू रीच द अर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सन से लाइट हमारे अर्थ तक पहुँचती है अब आप जानते हैं कि सन और अर्थ के बीच में कितना ज़्यादा डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है मतलब कई हजार करोड़ किलोमीटर दूर है हमारा सन हमसे और वहाँ सन के पास से लाइट हमारे अर्थ में सिर्फ एक मिनट में पहुँच जाती है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बातें याद रखनी है आपकी कि जो सन लाइट है वो हमारे अर्थ पर सन से अर्थ तक एट मिनट्स के अंदर में पहुँच जाती है चलिए नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट इंक्लूड दोज ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट लाइट एंड आर मेड बाई मैन फॉर देयर यूज आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट हैं मतलब ऐसे सोर्सेज जो कि ह्यूमन बींग ने बनाया अपने यूज के लिए तो अब वो उन उनका एग्जाम्पल हमें पढ़ना है कि आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ़ लाइट इंक्लूड दोज ऑब्जेक्ट्स मतलब इनमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स आते हैं दैट एमिट लाइट जो हमें लाइट तो देते हैं ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट लाइट एंड आर मेड बाय मैन फॉर देयर यूज़ पर ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये किसने बनाए होते हैं मैन ने बनाए होते हैं अपने यूज़ के लिए फॉर एग्जांपल बल्ब टॉर्च ये सारे जो हैं ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपनी लाइट हमें देते हैं पर इनकी ये बनाया किसने है ह्यूमन बींग ने बनाया मैन ने बनाया अपने यूज़ के लिए ठीक है सम ऑफ़ द आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ़ लाइट यूज़ अ सेल और बैटरी टू फंक्शन अब आप यहाँ पर देखिए कुछ एग्जा फोटोज दी हुई हैं पिक्चर्स दी हुई हैं पहले फायर की है टॉर्च है बल्ब है लेम्प है ये सब आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है ठीक है और ये जो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है इनमें से कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो जो कि सेल और बैटरी से चलते हैं फॉर एग्जांपल ये जो टॉर्च है आपने टॉर्च में देखा होगा सेल डलते हैं जो बड़ी टॉर्च होती है उनमें सिक्स सेल्स भी डाला जाता है और जो छोटी टॉर्च होती है उनमें टू सेल्स से भी काम हो जाता है तो आप ये जो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है ये ह्यूमन बींग ने बनाया अपने यूज़ के लिए और कुछ इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट सेल और बैटरी से चलते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट आर इलेक्ट्रिक बल्ब्स कौन कौन से होंगे आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट एग्जाम्पल आ जाएगा इलेक्ट्रिक बल्ब आएगा ट्यूब्स आएगा अर्दन लैम्प्स अर्दन लैम्प्स मतलब जो दिए हम दिवाली पे जलाते हैं उनको बोला गया है कैरोसिन लैम्प जो गांव हैं जितने विलेजेस हैं जहाँ पर लाइट नहीं होती पहले वहाँ पर कैरोसिन लैम्प बनाकर यूज़ करते थे टॉर्चेस हो गई या फिर वैक्स कैंडल जो मोमबत्तियां हम यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है मतलब वो किसने बनाया है मैन ने बनाया है ह्यूमन बींग ने बनाया है और अपने खुद के यूज़ के लिए बनाया ठीक है चलिए और नेक्स्ट टॉपिक इस ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स तो ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या है ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट लाइट ऑफ देयर ओन मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि अपनी लाइट जो हमें लाइट देते हैं अपनी खुद की जो हमें लाइट देते हैं दे आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स फॉर एग्जाम्पल सन एंड इलेक्ट्रिक बल्ब अ कैंडल अ लैम्प एंड अ फायर फ्लाई आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स तो मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमें लाइट देते हैं गिव आउट लाइट ऑफ देयर ओन अपनी जो लाइट देते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं एग्जांपल में इलेक्ट्रिक बल्ब सन कैंडल लैम्प फायरफ्लाई ये सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जांपल हैं लुक एट दिस फायरफ्लाई इसे जुगनू बोला जाता है रात को अंधेरे में ये निकलते हैं और उनमें से ग्रीन कलर की लाइट हमें दिखती है ठीक है चलिए ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो जिनकी खुद की लाइट नहीं होती दे आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स मतलब जैसे कि वॉल हो गई दीवार हो गई ट्री हो गया चेयर कप टॉय बुक और मून ये सब क्या है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं क्यों नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं क्योंकि इन ऑब्जेक्ट्स में खुद की इनकी अपनी लाइट नहीं होती ठीक है चलिए नेक्स्ट इज फैक्ट फायर ये देखिए यहाँ ऑल्यूमिनस के ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल हैं ट्यूबलाइट फायरफ्लाई और कैंडल एंड इन दिस पिक्चर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं ट्री चेयर एंड टॉय फैक्ट फायर थॉमस अल्वा एडिसन वॉज एन अमेरिकन इन्वेंटर हु इन्वेंटेड मेनी डिवाइसेज सचेज फोनोग्राफ द मोशन पिक्चर कैमरा इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब ये जो थॉमस अल्वा एडिसन है ये एक अमेरिकन इन्वेंटर है और इन्होंने ही मोशन फोनोग्राफ मीन्स मोशन पिक्चर कैमरा इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब इन सब की खोज की थी ही वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 18 1931 और उनका जन्म हुआ था 18 अक्टूबर 1931 में वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी यू में ठीक है चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चनस क्वेश्चन में राइट डाउन गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट है नेचुरल सोर्सेज ऑफ़ लाइट तो नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट आ जाएगा सन और ग्लो वॉम्स सेकेंड है आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट में आ जाएगा इलेक्ट्रिक बल्ब एंड टॉर्चेस ठीक है थर्ड है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ जाएंगे एग्जाम्पल में कैंडल और इलेक्ट्रिक बल्ब फोर्थ है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या आएगा टेबल और बुक ओके okay? चलिए अब नेक्स्ट पेज नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट लाइट फॉलो लाइट शोज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं विशेषताएं है होती हैं जो हमें पढ़ना है और समझना भी है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन लाइट जो है वो एनर्जी का फॉर्म है मतलब एनर्जी का एक प्रकार है ऊर्जा का एक प्रकार होती है लाइट और ये हमेशा इट ट्रैवल्स ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन लाइट हमेशा सीधी ट्रैवल करती है मतलब सीधी ट्रैवल करती है, मतलब सीधी जाएगी लाइट हमेशा दिस कैन बी अंडरस्टैंड ईजली बाई एन एक्टिविटी और ये एक्टिविटी के थ्रू आप इजिली इसको समझ सकते हैं देखो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है मैं इसको पूरा रीड ना करके एक छोटा सैंपल आपको बता देती हूँ आपको पहले थ्री हार्ड बोर्ड्स लेने हैं और उन हार्डबोर्ड्स को क्या करना है सेम तीनों को एक साथ रख कर बीच में उनके सेंटर पे होल करना तीनों को एक साथ रख के उनके तीनों के सेंटर पे सेम प्लेस पे होल करोगे और उसको क्या क्या करोगे सीधे एक ही लाइन से डा एक ही लाइन से एक के बाद एक मतलब एक के पीछे दूसरा दूसरे के पीछे तीसरा आपको ये तीनों को टेबल पे इसको फिक्स करना है क्ले आप लगा के क्ले में इसको फिक्स कर सकते हैं ठीक है अब आपको क्या करना है अब आपको एक टॉर्च की ज़रूरत पड़ेगी अब आपको टॉर्च जो है ये जो फर्स्ट पेप फर्स्ट जो बोर्ड है उसके होल पर आपको टॉर्च मारना है तो तीनों ये जो टॉर्च होगी ये जो टॉर्च होगी इसकी जो लाइट है वो क्या करेगी फर्स्ट पेपर के फर्स्ट हार्डबोर्ड के होल से सेकेंड हार्डबोर्ड में सीधी ट्रैवल करेगी क्योंकि हमने उनको एकदम सीधे रखा है एक दूसरे के पीछे एकदम सीधे रखा है और होल हमने तीनों का साथ में किया है एक ही होल किया मतलब एक ही प्लेस पे होल किया है तो जब आप लाइट टॉर्च इस पर जलाओगे इस होल पर तो ये लाइट सीधी ट्रैवल होकर कहा जाएगी दीवार पर एक छोटा सा सेंटर uh, मतलब दीवार के दीवार के ऊपर या वॉल के ऊपर एक छोटा सा सेंटर बनाएगी मतलब एक सर्कल बनाएगी तो इस इस एक्टिविटी से ये शो होता है कि ये जो एक्टिव लाइट uh, है ये हमेशा ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में ठीक है अब यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप सेकेंड वाले जो हार्डबोर्ड हो उसको बोर्ड uh, को अगर आप सीधे लाइन में से हटा के थोड़ा सा दूसरी जगह पे मतलब थोड़ा सा राइट की तरफ या लेफ़्ट की तरफ आप रख देंगे और बाकी दोनों जो फर्स्ट और थर्ड जो हार्डबोर्ड्स हैं उनकी उनकी पोजीशन सेम रखेंगे तो जब अब आप टॉर्च मारेंगे फर्स्ट वाले पे टॉर्च की रोशनी डालेंगे लाइट डालेंगे फर्स्ट होल पर फर्स्ट हार्डबोर्ड के होल पर तो ये जो लाइट है ये यहाँ से ट्रैवल करके सीधे नहीं जाएगी और जो वॉल है उसके ऊपर वो सर्कल नहीं बनेगा क्लियर तो इन इसका कंक्लूजन क्या है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल करती है मतलब लाइन सॉरी लाइन हमेशा सीधी ट्रैवल करती है चलिए अब इसकी और जो स्पेश वो है प्रॉपर्टीज़ वो पढ़ते हैं लाइट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम इट्स सोर्स लाइट के जितने भी सोर्स होते हैं वहाँ से वो हर डायरेक्शन से लाइट अंदर आती है या ट्रैवल करती है When लाइट फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब जहाँ से लाइट आर पार ट्रांसफर नहीं हो सकती फॉर एग्जाम्पल बुक के आर पार लाइट ट्रांसफर नहीं कर सकती वुड के ऊपर वुड में भी आप लाइट डालोगे तो वुड के आर पार वो लाइट uh, ट्रैवल नहीं करती तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जहाँ पर जिनकी सरफेस ओपेक होती है अगर वहाँ पर लाइट गिरती है उनकी सरफेस पर तो क्या होगी वो हमेशा लाइट बाउंस बैक हो जाती है मतलब वो लाइट वापस चली जाती है दिस इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इसी हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ठीक है व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट रीचेज अवर आईज वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट और जब ये रिफ्लेक्टेड रेज ओपेक ऑब्जेक्ट से बाउंस बैक होकर वापस आती है तो वो हमारी आइस पर पड़ती है और जिसके कारण हमारे आसपास की के जितने भी सराउंडिंग्स में चीज़ें हैं हम उनको देख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट इज व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट जाएगी बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया तो ये क्या करेगी uh, लाइट जो है वो बैंड हो जाएगी उसकी बैंड्री बाउंड्री uh, से लगकर फॉर एग्ज़ाम्पल वन लाइट पासिस फ्राम वन मीडियम टू अनदर एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जा, जाएगी तो बैंडिंग ऑफ लाइट्स टेक प्लेस तो क्या होगा लाइट बैंड हो जाएगी एट द बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया जहाँ दोनों मीडिया जहाँ दोनों मीडियम रखे होंगे वहाँ पर उसकी लाइट क्या होगी लाइट की जो रेस है वो बेंड हो जाएंगी एंड द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी ब्रोकन यहाँ पर मीडियम दिया हुआ मीडियम रिफर्स टू एयर वाटर और अदर मटेरियल तो अगर आप ऐसे देखेंगे कि दो मीड दो चीज़ें हैं दो मीडियम हैं और एक मीडियम से दूसरी मीडियम की तरफ जब लाइट जाती है तो लाइट जो है वो हमेशा सीधी सीधी ट्रेवल करती है पर जब वन मीडियम से दूसरे मीडियम के थ्रू पास हो जाएगी तो क्या होगी लाइट रेज बेंड हो जाएंगे और बेंड होने के कारण क्या होगा ये ऑब्जेक्ट ऐसा लगेगा जैसे कि वो ब्रोकन हो जैसे ऑब्जेक्ट टूटा हुआ दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और इसे ही हम क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं अ स्ट्रॉ अपीयर्स बैंड वन इमर्स्ड हाफ इन वाटर आपने देखा होगा कि जो स्ट्रॉ है अगर हम उसे पानी में डालते हैं या पानी में उसको पानी के अंदर जब उसे डालते हैं तो वो हमेशा झुका हुआ दिखता है वन इमर्स्ड हाफ इन वाटर जब वो पानी में डूबा रहता है तो वो हमेशा झुका हुआ दिखता है ठीक है तो दिस शोज़ दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसमें लाइट हमेशा ओपेक ऑब्जेक्ट पे जब उसकी सरफेस पे गिरती है फॉल होती है तो वो हमेशा बाउंस बैक कर जाती है और इसी प्रोसेस को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लाइट और दूसरा जो होता है इसमें क्या होता है जब लाइट पासस पास होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो वो लाइट जो होती है वो क्या होती है बेंड हो जाती है मुड़ जाती है और बाउंड्री में जाकर वो इस तरीके से ऑब्जेक्ट अपीयर होता है जैसे कि ऑब्जेक्ट टूट गया है दिस इज़ नोन एज रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट नाउ विजिबल नेक्स्ट पेज नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इज विजिबल लाइट कैन बी स्प्लिट इन टू सेवन कलर्स जो विजिबल लाइट होती है जो हमें दिखती है वो लाइट जो है वो सेवन कलर्स में स्प्लिट हो जाती है ब्रेक हो जाती है मतलब जो ये देखो प्रिज्म से जब हम लाइट पास करते हैं तो वो विजिबल है हमारे लिए और जब इधर से एक तरफ से दूसरी तरफ ये जाती है तो ये सेवन कलर्स में स्प्लिट हो जाती है और कौन कौन से सेवन कलर्स विपग्योर इसका शॉर्ट फॉर्म हम बोलते हैं विपग्योर विबग्योर में वी स्टैंड फॉर वॉयलेट आई फॉर इंडिगो बी फॉर ब्लू जी फॉर ग्रीन वाई फॉर येलो ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड दिस कैन बी सीन वन लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म और ये कब दिखाई देती है जब हम अगर किसी लाइट को पास करेंगे प्रिज्म से तो हमें ये सेवन कलर्स ये विबग्योर दिखाई देंगे ठीक है नाओ नेक्स्ट इज लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट एट अ स्पीड ऑफ थ्री इंटू टेन टू द पावर एट मीटर्स पर सेकेंड लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट ट्रैवल करती है मतलब बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है एट अ स्पीड ऑफ़ और कितनी स्पीड होती है लाइट की एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए थ्री इंटू टेन टू पावर एट मीटर्स यहाँ टेन टू द पावर एट लिखा हुआ है इसका मतलब एट ज़ीरो तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने लॉन्ग डिस्टेंस में ये कितनी जल्दी ट्रैवल कर जाती है पर सेकेंड में हर सेकेंड में ये इतना ट्रैवल करती है थ्री इंटू टेन टू द पावर एट ठीक है स्पीड ऑफ लाइट इज कंसिडर्ड टू बी द फास्टेस्ट इन द यूनिवर्स जो लाइट की स्पीड होती है वो पूरे यूनिवर्स में सबसे फास्टेस्ट स्पीड कहलाती है क्योंकि वो बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाती है तो आप इसको खुद ही समझ सकते हैं थ्री इंटू टेन टू द पावर एट मतलब थ्री मल्टीप्लाई बाई टेन में आप सेवन जीरो और जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा जितना भी आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उतने मीटर पर सेकेंड वो ट्रेवल करती है मतलब सबसे फास्टेस्ट होती है स्पीड ऑफ लाइट पूरे यूनिवर्स में हाउ डू वी सी थ्रू थिंग्स अब हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है कि हम चीज़ों से कैसे देख सकते हैं यू कैन सी थ्रू क्लीन वाटर और ग्लास बट नॉट थ्रू योर साइंस बुक आप अगर ग्लास में जो पानी है या जो कांच का ग्लास है पानी को आप देख सकते हैं पानी अगर क्लीन है तो आप आर पार उसको देख सकते हैं ठीक है और अगर ग्लास है ग्लास मीन्स कांच के आर पार आप देख सकते हैं पर जो आपकी साइंस बुक है क्या आप उसके आर पार देख सकते हैं नहीं देख सकते दिस हैपन्स बिकॉज डिफरेंट मटेरियल्स अलाउड डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम और वो इसलिए होता है क्योंकि जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें एक अमाउंट फिक्स है कि इतनी अमाउंट तक वो लाइट को अपने में से पास होने देंगे ठीक है मटेरियल सच एज वुड एंड कार्डबोर्ड डू नॉट अलो एनी लाइट टू पास थ्रू देम सच मटेरियल्स आर सेट टू बी ओपेक कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जैसे कि अभी मैंने ओपेक आपको पढ़ा चुका है पर एक बार इसका रिविजन करते हैं जो एक्चुअल डेफिनेशन है ओपेक की वो यही है कि मटी ऐसे मटेरियल्स जैसे कि वुड कार्डबोर्ड पेपर इनमें क्या होता है लाइट पास नहीं होती डू नॉट allow एनी लाइट टू पास थ्रू them। अपने में से ये बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होने देते और सच मटेरियल्स आर सेट टू बी ओपेक और इस टाइप के जो मटेरियल्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है ओपेक मटेरियल्स कहा जाता है द क्लोथ्स वी वियर एंड द फ्रूट्स वी ईट आर ओपिक जो हम क्लोथ्स पहनते हैं वो भी और जो फ्रूट्स हम खाते हैं वो भी ओपिक ऑब्जेक्ट ही कहलाते हैं क्यों क्योंकि उनमें से लाइट पास नहीं होती ठीक है Now next is material such as butter paper and coloured glass allow any only some light to pass through them. और कुछ ऐसे materials होते हैं जैसे कि butter paper हो गया जो हम cake बनाने के लिए use करते हैं उसे butter paper बोला जाता है और जो coloured glass होता है coloured glass मतलब जो कांच colourful होता है उस वो अपने अपनी ओ, अपने में से कुछ light को pass होने के लिए पास uh, होने देता है ठीक तो है तो ऐसे मटेरियल्स जैसे बटर पेपर और कलर ग्लास हैं उनमें से थोड़ी अमाउंट में लाइट पास होती है सच मटेरियल्स आर सेट टू बी ट्रांसलूसेंट तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं ठीक है सन ग्लासेज आर ऑल्सो मेड ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स जो सन ग्लासेज हम पहनते हैं वो सन ग्लासेज भी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के ही बने होते हैं ट्रेसिंग पेपर फाइन क्लोथ एंड ग्राउंड ग्लास आर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जो ट्रेसिंग पेपर होता है जिसे हम बटर पेपर भी कहते हैं फाइन क्लोथ जो पतले क्लोथ्स होते हैं ठीक है ठीके? और जो ग्राउंड ग्लास होते हैं उन्हें ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स में भी टिंटेड लाइटली कलर्ड और कलरलेस जो ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स होते हैं वो थोड़े कलरफुल होते हैं थोड़े से हल्के लाइटली कलर्ड होते हैं और कलरलेस भी होते हैं उनमें कोई रंग भी नहीं होता ठीक है नेक्स्ट एज मटेरियल सचेज क्लियर वाटर सेलोफे सेलोफोन एंड ग्लास अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम कंप्लीटली कुछ ऐसे मटेरियल्स uh, होते हैं जैसे कि क्लियर वाटर जो पानी है अगर साफ है तो आपने देखा होगा पूरी लाइट उसके आर पार ट्रेवल कर जाती है पूरी लाइट एक जगह से दूसरी जगह वाटर में पास हो जाती है ठीक है सेलोफोन और जो ग्लास है होते हैं जो ग्लास मींस जो कांच होते हैं वो भी अपने में से लाइट को पास होने में हेल्प करते हैं ठीक है और इस टाइप के मटेरियल्स को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ठीक है इस्पेक्टिकल्स एंड विंडो पेंट्स आर मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स जो स्पेक्टिकल्स होते हैं हमारे जो चश्मे आपने देखा होगा मतलब उनके आर पार जो वो ग्लास के बने होते हैं और उनके आर पार पूरी जो लाइट होती है वो पास हो जाती है तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है चलिए नेक्स्ट इज यूज ऑफ ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स वी सेलेक्ट ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन वेदर वी वॉन्ट टू सी थ्रू इट फुली ट्रांसपेरेंट पार्शली ट्रांसलूसेंट और नॉट एट ऑल ओपेक जो वी सेलेक्ट ट्रांसपेरेंट देखो हम जब भी कोई सामान लेने जाते हैं तो हम ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट को देख के ही कि हमें किस तरीके का चाहिए कुछ बच्चे जो होते हैं उन्हें क्या लगता है कि कॉपी में ट्रांसपेरेंट अगर हम कवर चढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है तो वो क्या करते हैं ट्रांसपेरेंट शीट लेते हैं पेपर अपने नोटबुक में चढ़ाने के लिए कुछ बच्चे क्या लेते हैं ट्रांसलूसेंट लेते हैं जिसमें से सब्जेक्ट मतलब जिसमें से कोई भी चीज़ें क्लियरली नहीं दिखाई देती और कुछ बच्चे जो होते हैं अब आपकी नोटबुक का ये एक एग्जांपल ले लेते हैं कुछ बच्चे तो बिल्कुल पॉलीथीन की ट्रांसपेरेंट शीट लेते हैं कुछ थोड़ी मिल्की होती है शीट उस टाइप की लेते हैं और कुछ बच्चे क्या करते हैं ओपेक शीट लेते हो ओपेक का मतलब जो ब्राउन कलर्स कलर पेपर होते हैं जो आप अपनी कॉपी में चढ़ाते हैं दे आर नोन एज ओपेक ठीक है तो उस टाइप की शीट हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल द विंडोज ऑफ़ अवर ड्राॅइंग रूम आर मोस्टली ट्रांसपेरेंट ग्लासेस अब आपका एग्जाम्पल आपके घरों में ही आपने देखा होगा कि जो आपकी घरों के विंडो विंडो हैं मतलब जो खिड़कियाँ हैं ड्राइंग रूम की उनमें क्या होता होगा ट्रांसपेरेंट ग्लास होता होगा ठीक है सनलाइट कैन एंटर थ्रू इट और आसानी से जो सनलाइट है वो उसके अंदर आ सकती है एंड वी कैन सी आउटसाइड थ्रू इट टू और हम आसानी से उस विंडो से बाहर की तरफ भी देख सकते हैं हाव एवर आवर बाथरूम विंडोज़ इज फ्रॉस्टेड ग्लास पिच इज़ ट्रांसल्यूसेंट इन नेचर और जो हमारे वॉशरूम या बाथरूम होते हैं उनके जो विंडो के ग्लासेस होते हैं वो फ्रॉस्टेड होते हैं फ्रॉस्टेड मीन्स धुंधले होते हैं और वो किस ए, किस तरीके के दिखाई देते हैं ट्रांसल्यूसेंट होते हैं मतलब उसमें से ना तो आप बाहर देख सकते हैं और ना ही कोई अंदर देख सकता है थिक कर्टेंस और कर्टेंस होते हैं जो मोटे मोटे कर्टेंस होते हैं कर्टेंस मीन्स पर्दे जो हम पर्दे अपने घरों में लगाते हैं वो क्या होते हैं वो थिक कर्टेंस और ब्लाइंड्स ब्लाइंड्स का मतलब होता है ये ये भी कर्टेन का एक टाइप होता है जिससे कि सनलाइट बिल्कुल भी घर के अंदर नहीं आ सकती और घर के बाहर भी अंदर की रोशनी नहीं जा सकती तो ये जो थिक कर्टेंस और ब्लाइंड्स होते हैं ये भी ओपेक ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं जो कि लाइट को ब्लॉक कर देते हैं लाइट को पूरी तरीके से बंद कर देते हैं एंड दस दे आर ओपेक और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है ओपेक कहा जाता है नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ आर शेडोज फॉर्मड हम आ, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि आपने देखा है जब भी हम धूप में चलते हैं तो हमारी शेडो बनती है परछाई बनती है तो वो कैसे बनती है वो हमें पढ़ना है ठीक है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन अभी मैंने प्रॉपर्टीज़ में बताया कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन फ्रंट ऑफ लाइट जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के सामने आता है इट ब्लॉक्स द लाइट एंड फॉर्म्स अ डार्क पैच कॉल्ड अ शेडो तो जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट अगर लाइट के सामने आ जाता है तो क्या हो जाती है लाइट ब्लॉक हो जाती है और वहाँ पर क्या बन जाता है एक डार्क कलर का पैच बन जाता है मतलब एक शेप बन जाती है तो जिसे हम शेडो बोलते हैं अ शेडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट अगर आपके अपोजिट साइड से लाइट आएगी तो ही शेडो बनेगी व्हेन यू ब्लॉक सनलाइट द शेडो ऑफ योर बॉडी इज फॉर्म्ड तो जब आपके अपोजिट साइड से जब लाइट आएगी तो जो सनलाइट है वो ब्लॉक हो जाएगी आपकी बॉडी के कारण क्योंकि आपकी बॉडी क्या है ओपेक है है ना द शेडो ऑफ़ योर बॉडी इज़ फॉर्म और फिर क्या होगा जो हमारी बॉडी है उसकी शेडो हमें ग्राउंड पर दिखेगी वेन यू मूव योर शेडो मूव्स अलॉन्ग विद यू जब आप आगे जाओगे तो आपकी जो परछाई है आपकी जो शेडो है वो भी ऐसा लगेगा जैसे आपके साथ चल रही है द सन अपियर्स टू मूव एक द स्काई फ्रॉम मॉर्निंग टू ईवनिंग जो सन है वो हमारी स्काई में मॉर्निंग से इवनिंग तक रहता है अकॉर्डिंग अकॉर्डिंगली द शेप एंड द लेंथ ऑफ द शेडोज चेंज एज वेल जिस तरीके से सूर्य की जो पोजिशन है पूरे दिन सुबह से ले कर इवनिंग तक चेंज होती है उसी तरीके से हमारी जो शेडो है वो उसकी भी शेप और लेंथ सन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है शेडोज आर लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग हमारी जो शेडो है वो सबसे लंबी कब बनेगी लॉन्ग कब बनेगी जब मॉर्निंग का समय होगा एंड इन द लेट आफ्टरनून और जब बहुत लेट आफ्टरनून मीन्स मतलब तीन साढ़े तीन चार बजे के आसपास जब थोड़ा दोपहर ख़त्म होने वाली होगी तब हमारी शेडो लंबी बनेगी देर दे आर द शॉर्टेस्ट एट नून और सबसे छोटी शेडो हमारी कब बनेगी जब दो दोपहर होगी वन द सन शाइन्स ओवर हेड क्यों क्योंकि सूरज जो होता है हमारे सर के ऊपर होता है इसलिए हमारी शेडो दोपहर के समय नून में क्या होती है कम बनती है लुक एट दिस पिक्चर इन मॉर्निंग देखो पीछे से लाइट आ रही है और ये जो बॉडी है ये जो गर्ल है ये इसकी जो बॉडी ये ओपेक है सब हमारी सबकी बॉडी ओपेक है ओपेक ऑब्जेक्ट है तो जब सन की लाइट इसकी बॉडी पे पड़ेगी तो सनलाइट क्या होगा ब्लॉक हो जाएगा और इसकी शेडो हमें ग्राउंड पर दिखेगी और मॉर्निंग में सबसे लॉन्गेस्ट शेडो बनती है ठीक है आफ्टरनून में क्या होगा सन जो है वो हमारे सर के ऊपर ही होता है इसलिए हमारी जो शेडो है वो क्या हो जाएगी शॉर्ट हो जाएगी छोटी दिखेगी और लेट आफ्टरनून में भी क्या होगा जब सन सेट होने के लिए जाएगा तो पीछे से जब सनलाइट हमारी बॉडी पर पड़ेगी तो भी एक लॉन्ग शेडो फॉर्म होगा क्लियर चलिए अब हमें द ब्लैंक्स करना है क्वेश्चंस Fill in the blanks with a suitable word. First is light is a form of energy. You have to write there energy. E N E R G Y, energy. देखो second वाला जो fill up है उसमें क्या होगा second fill up में? आपको क्या करना है second fill up में आपको पहले लिखना है light when falls on n यहाँ पर आएगा रिफ्लेक्शन की जगह यहाँ आएगा ओपेक ऑब्जेक्ट ओपेक सेकेंड में क्या आएगा ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट वेन फॉल्स ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इट बाउंसेज बैक इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सेकेंड में रिफ्लेक्शन आएगा सेकेंड के फर्स्ट वाले फिलअप में ओपेक आएगा ओ पी ए क्यू यू ई ओपेक और इसी के आगे आएगा इट बाउंसेज बैक इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ठीक है नाउ थर्ड इज़ द विजिबल लाइट कैन बी स्प्लिट इन टू सेवन कलर्स राइट सेवन देयर आफ्टर दैट फोर्थ इज रेनबो फॉर्मेशन टेक प्लेस ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ लाइट स्प्लिटिंग एस पी एल आई डबल टी आई एन जी स्प्लिटिंग ऑफ लाइट

वेन द सन इज ओवर हेड ठीक है तो यहाँ पर लास्ट वाले फिलअप में आएगा शॉर्टेस्ट इन नून नून आएगा और सन इज ओवर हेड यह आ जाएगा आपका सिक्स फिलअप में नाउ एक्टिविटी देखो एक्टिविटी जो है वो सिंपल एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं टू ऑब्जर्व द चेंज इन द लेंथ ऑफ द शेडो ड्यूरिंग द डे अब आपको इसमें क्या ऑब्जर्व करना है कि जो हमारी शेडो है डे टाइम में उसकी लेंथ हर बार चेंज होती रहती है ठीक है तो आपको मटेरियल्स रिक्वायर्ड क्या क्या है वो चेक करना है तो मटेरियल्स क्या क्या चाहिए स्टिक चाहिए वॉच चाहिए मेजरिंग टैप चाहिए और नोटबुक और पेंसिल चाहिए अब आपको क्या करना है प्रोसीजर सेट अप अ स्टिक इन द मिडिल ऑफ अ प्ले ग्राउंड ऑन अ ब्राइट सनी डे जिस दिन बहुत ज़्यादा तेज धूप हो उस दिन प्ले ग्राउंड के मिडल में कहीं पर एक स्टिक आपको लगा के आना मेजर द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द स्टिक इन द मॉर्निंग मॉर्निंग में आपको उसकी लेंथ नापनी है कि स्टिक की शेडो की लेंथ कितनी है नून में आपको उसकी शेडो स्टिक की जो शेडो है उसको नापना है मेज़र करना है और अगेन ड्यूरिंग लेट आफ्टरनून जब लेट आफ्टरनून होगा थ्री थर्टी या फोर ओ क्लाक के आसपास फिर आपको मेजिंग टेप से उस स्टिक की शेडो को नापना है और नाउ नेक्स्ट इज रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल बिलो और फिर उसके बाद आपको उसका ऑब्जर्वेशन देखना है कि सबसे लंबी शेडो किस समय पे बनी थी मॉर्निंग में या फिर नून में या फिर आफ्टरनून में ठीक है सो दिस चैप्टर फिनिश्ड नाउ वी विल डू एक्सरसाइजेस सेक्शन वन ए चूज द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट ए बी बैक कैंडल सी ट्यूबलाइट और डी कैरोसिन लैम्प तो इसका आंसर आएगा ए ग्लोवॉर्म सेकेंड इज अ कैंडल इज अ डैश ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट सी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट नन ऑफ दीज तो इसका सेकेंड का आंसर आएगा बी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नाउ थर्ड इज विजिबल लाइट कैन बी स्प्लिट इन टू डैश कलर्स तो ए एट बी सेवन बी सी फाइव और डी सिक्स तो राइट आंसर इज बी सेवन फोर्थ इज़ वुड एंड कार्डबोर्ड आर डैश ऑब्जेक्ट्स ए ट्रांसपेरेंट बी ओपेक सी ट्रांसलूसेंट और डी ल्यूमिनस द राइट आंसर इज वुड एंड कार्डबोर्ड आर ओपेक ऑब्जेक्ट बी ओपेक फिफ्थ इज अ शेडो डैश पैच तो यहाँ आ जाएगा डार्क ओके नाउ बी चूज द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स फर्स्ट द डैश इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ तो कौन सा होगा मेन सोर्स ऑफ लाइट सन तो राइट आंसर इज सन सेकेंड इज़ अ कैरोसिन लैम्प इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए और ऑब्लिक एंड डैश आर्टिफिशियल और नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट तो कैरोसिन लैम्प इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट राइट आर्टिफिशियल

अलॉस और डज नॉट अलो लाइट टू पास थ्रू इट तो ओपेक ऑब्जेक्ट डज नॉट अलो लाइट टू पास थ्रू इट नाउ नेक्स्ट इज सी ट्रू टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फर्स्ट इज स्टेबल इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट तो आंसर आ जाएगा फॉल्स सेकेंड इज लाइट हेल्प अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस इसमें भी क्या आएगा इसमें ट्रू आ जाएगा ठीक है थर्ड इज स्टार्स आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो स्टार्स हैं वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं फॉल्स फोर्थ इज वी कैन सी अ पेंसिल बेंट वेन प्लेसड इन अ ग्लास ऑफ वाटर तो ये आ जाएगा ट्रू फिफ्थ इज लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रू सिक्स इज शेडोज आर लॉन्गेस्ट एट नून शेडोज आर लॉन्गेस्ट एट नून नहीं लेट नून में लॉन्गेस्ट होती है और मॉर्निंग में तो यहाँ पर आ जाएगा शेडोज आर लॉन्गेस्ट एट नून का फॉल्स ठीक है नाउ डी इज गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट क्या क्या हैं सन और फायर फ्लाई सेकेंड इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल आ जाएंगे इलेक्ट्रिक बल्ब और कैंडल थर्ड इज आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट में क्या क्या आ जाएगा अर्दन लैम्प आ जाएंगे और टॉर्च आ जाएंगे ठीक है फोर्थ इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हो जाएंगे कप और पेंसिल फिफ्थ इज ओपेक ऑब्जेक्ट्स ओपेक ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे टेबल एंड डोर सो दिस चैप्टर हैज बिन फिनिश्ड सेक्शन टू क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको पी डी एफ में दे दूंगी ठीक है